आज जो मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उस पाठ का नाम है चांद का हट। इस पाठ को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। इस पाठ का सार है, चंद्रमा को हम चांद भी कहते हैं, वह रोज घटता बढ़ता है, एक सी नाप नहीं है चंद्रमा की, वह प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। यह हमें पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है और जब अमावस्या आती है 15 दिन बाद तो हमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इस कविता के माध्यम से चंद्रमा अपनी माँ से रात की ठंड से बचने के लिए एक झिंगोला ढीला ढाला वस्त्र सिलवाने को कह रहा है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कभी ठंड कभी गर्मी कभी बरसात। कविता है, हट कर बैठा चांद एक दिन, हट मीन्स जिद करके चांद एक दिन अपनी माता से बोला। कौन बैठा हट कर? चांद एक दिन जिद कर अपनी माँ से बोला, सिलवा दो माँ मुझे, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। क्या कहा चांद ने अपनी माँ से? सिलवा दो मुझे माँ ऊन का मोटा एक झिंगोला। झिंगोला मीन्स ढीला ढाला वस्त्र। क्यों कह रहा है ऊन का? ठंड से बचने के लिए चांद अपनी माँ से जिद कर बैठा है कि मुझे एक ऊन का मोटा सा ढीला ढाला वस्त्र सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर, मतलब सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, तेज हवा के झोंके जब रात को चलते हैं तो मैं ठंड से मरता हूँ। सन सन का मतलब क्या है? तेज हवा के झोंके। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, मतलब ठिठुर ठिठुर कर कांप कांप कर, कांप कांप कर मैं किसी प्रकार अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। इस कविता के माध्यम से चांद अपनी माँ से क्या कह रहा है? अपने लिए ठंड से बचने के लिए एक झिंगोला सिलवाने के लिए कह रहा है।